सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसने पहला कदम उठा लिया वह अंतिम कदम भी उठा ही लेगा। कठिनाई पहले में ही है, अंतिम में नहीं। दुष्टों की परेशानी का आनंद ना ले, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान वही देते हैं जिनमें आपको आनंद मिलता है। दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ते रहेगी। 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:31 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:48 से 12:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:42 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 12:42 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मीन राशि, 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार, यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी प्राथमिकता की जरूरत है। ढीले सिरे को बांधे और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। आज एक अच्छी मित्रता का रिश्ता बनने वाला है जहाँ की दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। यह रिश्ते कौशल ऊर्जा और कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की जरूरत है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी योग है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते बल्कि कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। समय मान प्रतिष्ठा वर्धक है। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों से बातचीत करके अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। शानदार समय व्यतीत होगा। दैनिक कार्यों के साथ साथ आप अन्य कार्य बड़ी सहजता से पूरा कर पाएंगी। आपके लिए मन के साथ साथ शारीरिक संतुलन को बनाए रखना जरूरी है। आपको शरीर और मन को रिलैक्स करना सीखने की जरूरत है। आप अपने अंदर की असुरक्षा से प्रेरित होकर गलत निर्णय ले सकते हैं, इसलिए मन और विचार से आप पूरी तरह से सुलझे रहने की कोशिश करें। किसी और की सलाह आपको ना पसंद होगी। अपने परिवार और काम में रुकावट ना होने दें। जिस काम पर आपकी सारी उम्मीद टिकी हुई है उसे पूरे होने में अभी और वक्त लग सकता है। सावधानियां, बच्चों को ज्यादा ढील ना दें, अन्यथा परेशानी उत्पन्न हो सकती है और कुछ लोगों के मध्य अपमानित भी होना पड़ सकता है। पैसा लाने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। लव लाइफ की बात करते हैं। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है ताकि आपके और भी नजदीक आ सके, लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नई जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। आज का दिन नई दोस्ती और अच्छे संबंधों को अनुभव करने का दिन है। आपके विरोधी भी आज आपको सराहेंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में जीवन साथी को ना भूलें क्योंकि वो आपको जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करेगा। करियर की बात करते हैं। आज नए परिवेश या वातावरण में काम करने में धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी
योजनाएं आपके प्लस पॉइंट हैं। व्यापार बिक्री खरीदी के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और ट्राई अप की संभावना भी है। आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी मदद करेंगी। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए यह समय उचित है। लोगों को वो दे जो उन्हें चाहिए। दो मीठे बोल भी लोगों को खुश कर सकते हैं। सेहत की बात करते हैं। तनाव स्तर में असकारात्मक बदलाव की वजह से आज आप अच्छा महसूस करेंगे। अच्छा और संतुलित भोजन, आराम और कुछ व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जो लोग पाचन क्रिया की परेशानी से जूझ रहे हैं, वो आज देखेंगे कि इस परेशानी के लक्षण खत्म होते जा रहे हैं और फिर से आप अच्छा महसूस करेंगे। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।